कौसली में अरविंद शर्मा संबोधन कर रहे हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। बीच में है इनका भी, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में बाबा बालकनाथ जी का रूका है, पूरा देश में आशीर्वाद देते हैं। और सम्मानित मंच हमारे एमएलए साहब लक्ष्मण यादव जी, जो दिन रात आपके बीच में रह करके मेहनत करते हैं, लक्ष्मण यादव जी, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और जितने भी हमारे स्टेज पर नेता हैं वो बैठे, मैं सबका सम्मानित मंच। और ये हमारे साइड में बैठे सारे जुझारू हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस के भाइयों, आज इस मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, आज रोहतक लोकसभा के लिए एक ऐसा मौका है कि जो हमारे ऐसे दिग्गज नेता स्टेज पर उपस्थित हैं, जिनकी हाजिरी मात्र से ही, जिनकी हाजिरी मात्र से ही ये रोहतक लोकसभा का चुनाव हम जीत जाएंगे, हाजिरी मात्र से ही। 36 बिरादरी, पूरी जनता आपको आशीर्वाद देकर के कमल का फूल खिलाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारी बातें हैं लेकिन नितिन गडकरी जी ने 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है, सीमित बातें करनी है। एक तो मैं सम्मानित मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिसका समर्थन हमेशा राव इंद्रजीत का भी मिलता रहता है, बाबा बालकनाथ का भी मिलता रहता है, और भाई हमारे एमएलए साहब उनका भी, हमारे प्रभारी का भी, और हमारे भाई जिला अध्यक्ष, ये इलाका स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का, बहादुरों का, और भाई सबसे बड़ा देशभक्तों का इलाका है। इस इलाके की मांग है कि अहीरवाल अहीर रेंजमेंट की सबसे बड़ी मांग है इस इलाके की। तो मैं गडकरी जी को भी कहूंगा कि हमारा वकील बन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम सब मिल करके इस बात को आने वाले समय में रखेंगे। और एक और बात, मैं जब भी जहां जाता हूं गांव में तो एक बात उभर करके आती है कि पिछली बार का जो परिसमन हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें बहुत बार ऐसी बात आती है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई कोसली के साथ। तो भाई चिंता ना करो, आपका वकील, आपके वकील तो सारे ही बैठे हैं, राव साहब बैठे, बाबा बालकनाथ बैठे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल बेफिक्र रहो, अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परिसमन में गड़बड़ हुई है, तो आगे 26-27 में परिसमन होगा, उस गड़बड़ को मेट देंगे भाई, जो कोसली के साथ गड़बड़ हुई उस गड़बड़ को मेट देंगे। तो मैं सभी का आज इस मौके पर राव साहब का भाई मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि राव साहब ने तो इलेक्शन टिकट से पहले ही जीत रखा। राव साहब तो भाई इतना काम अपने इलाके में करते हैं, पूरे लोग इनके लिए जी जान की बाजी लगाते हैं। मैं गया था राव साहब से मिलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं गया था कि भाई मेरे हलके में आए और भाई लोगों को संभाले, उनको जो है रिक्वेस्ट कर, उनको बताएं कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हम सब मिलकर के खिलाएंगे।